इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूँ 101% कि आप पास होंगे अगर आप ये एडवाइस लोगे। बहुत बड़ी एडवाइस दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पर्सनली मैंने किसी को दी नहीं है, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और यूके गवर्नमेंट का ये डिसीजन आप लोगों को पता ही चला होगा कि अब आप क्या आ गए हैं, एंड देन स्टूडेंट वीजा पे आप स्पॉन्सरशिप चाहिए, राइट, टारगेट वही होता है एट दी एंड। हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड पूरी देखना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के बहुत काम आने वाली है आज की वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों को असाइनमेंट्स के बारे में। आज की जो वीडियो है वो है असाइनमेंट्स के बारे में, क्योंकि यार देखो बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं असाइनमेंट्स में एंड उन लोगों का वीज़ा कैंसिल हो रहा है एंड वो लोग अपनी कंट्री वापस जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं असाइनमेंट्स को। असाइनमेंट्स को बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये एक ऐसा समझो कि जैसे अपने इंडिया में जब हम बोर्ड्स एग्जाम्स होते थे ना, 10th के बोर्ड्स हैं तो भाई पास होना है, वो एक वो प्रेशर रहता था हम लोगों पे, तो वैसे असाइनमेंट्स का प्रेशर लेना है। क्योंकि आप लोग जब 15, 20, 25, 30 लाख रुपए लगा के आते हो एंड असाइनमेंट्स में फेल होंगे, फिर रिसीट में फेल होंगे एंड देन फिर वीज़ा कैंसिल होता है, तो हमें अपने असाइनमेंट्स को सीरियसली लेना है। क्योंकि अगर हम अपने सारे मॉड्यूल्स में पास होंगे देन ओनली हम लोग PSW पे जा सकते हैं, देन ओनली हम लोग स्पॉन्सरशिप पे जा सकते हैं, राइट। तो मतलब ये है कि असाइनमेंट्स में सब में पास हैं, सब मॉड्यूल्स में पास हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं यूके में, अगर आप लोगों के यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। सो गाइस, आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करनी है। सो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने असाइनमेंट्स कैसे बनवा सकते हो। एंड मुझसे बहुत लोग ने ये पूछा था कि हम लोग बाहर अपने असाइनमेंट्स बनवाएं तो वो सेफ है क्या, बाहर हम अपने असाइनमेंट्स बनवाएं तो क्या हम फेल तो नहीं होंगे, पास हो जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल थे। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा इस चीज़ की कि आप लोग बाहर असाइनमेंट्स बनवाओ, क्योंकि बाहर असाइनमेंट्स बनवाने के 3 लॉस मैं मानता हूँ, ठीक है। पहला तो है कि हमें कोई नॉलेज गेन नहीं हो रही है उससे, आपका जो मॉड्यूल लीडर है, जो भी आपका क्लास टीचर है, वो आपको जो भी सब्जेक्ट टीचर है, ठीक है, वो आपको जो टॉपिक दे रहा है या जो भी असाइनमेंट, जो भी इंट्रो में बताया गया है, ठीक है, वो इंट्रो की कॉपी आप दे दोगे एकेडमिक राइटर्स को, राइट, एंड वो बना के दे देंगे एंड देन वो पास कर दोगे आप मॉड्यूल लीडर को, अपने टीचर को, ठीक है। सो उस बीच में क्या होता है, आप कोई नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो, कोई भी नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो, राइट। तो इसका देखो, एक तो इस ये सबसे बड़ा लॉस यही हो गया कि हम लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और हम लोगों को अपने सब्जेक्ट का या मॉड्यूल के बारे में पता ही नहीं है कि हमने क्या बनाया है, क्या करा है, राइट, क्योंकि वो हमारा काम तो कोई और कर रहा है, हम उसको पैसा दे रहे हैं। दूसरा जो लॉस है वो है पैसे, ठीक है, बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है, एंड ऑब्वियसली वो वर्ड्स के ऊपर होता है बट बहुत पैसे जाते हैं अपने, ठीक है। अब वो आई थिंक वो एक गलत चीज़ में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमें करनी चाहिए वो कोई और से करवा रहे हैं सिर्फ पैसे के बल पे। क्योंकि जब हम यहाँ स्टार्टिंग में आते हैं तो लोग पार्ट टाइम करने लगते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं होता है उनसे, क्योंकि उनको लगता है बहुत पैसा है, ठीक है, तो वो सोचते हैं अरे बनवा लेंगे, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है ये है कि बहुत रिस्की होता है, ठीक है, अगर आप बाई चांस पकड़े जाते हैं, ठीक है, प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा आता है, तो आपका मॉड्यूल लीडर आपको डायरेक्टली फेल भी कर सकता है, ठीक है। एंड पहले पास्ट में कुछ बच्चों का वीज़ा तक रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, कैंसिल कर दिया गया है, सॉरी, कैंसिल वीज़ा हो गए हैं बच्चों के पास्ट में, सिर्फ क्यों, क्योंकि वो पकड़े गए हैं कि ये लोग अपने असाइनमेंट्स बाहर बनवा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग बाहर बनवाते हैं ना, तो बच्चे देखते तक भी नहीं है कितने, ठीक है, वो बस ऐसे बनवाएंगे, पकड़ा देंगे, बीच में कुछ आता ना पता, बस हाँ कि बन गए, अच्छा, बन गया, ठीक है, ये नहीं करना है गाइस, ये बिल्कुल आपको मतलब ये बाहर बनवाने का ना सोचना भी नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हो, ठीक है। और यूके गवर्नमेंट का ये डिसीजन आप लोगों को पता ही चला होगा कि अब आप स्टडी वीज़ा को मूव नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो स्पॉन्सरशिप में, राइट। उनका भी यही है कि अगर आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ो पहले, ठीक है। तो और 1 साल की पढ़ाई रहती है मास्टर्स मोस्टली, तो आप लोग 1 साल पढ़ना है, मेहनत करनी है एंड आपको उस बेस पे, अपनी उस मेहनत की बेस पे आपको जॉब ढूंढनी है, ठीक है, क्योंकि वो नॉलेज जो होगी आपकी, जो आपने मेहनत की है पूरी थ्रू आउट 1 ईयर, तो वो उसके बेस पे आपको जॉब ढूंढनी है, अब वो दिलाएगी आपको जॉब डेफिनेटली। सो गाइज, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ बाहर बनवाना। एंड आप कैसे बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि यार हम इंडिया में इतने यूज्ड टू नहीं होते हैं असाइनमेंट्स के, हम लोग रिटन एग्जाम्स के बहुत यूज्ड टू होते हैं, तो यहाँ पे पूरा एकदम चेंज हो जाता है एजुकेशन सिस्टम अपने लिए। तो यहाँ पे आना है एंड आप लोगों को असाइनमेंट्स कैसे बनवाने कह रहा हूँ, कैसे बनाने हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं क्लासेस से, ठीक है। आप लोगों को अपनी सारी क्लासेस अटेंड करनी है, सारी क्लासेस, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे आते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि
पार्टीज का बहुत जोश चढ़ा रहता है कि अंग्रेजों के साथ पार्टी करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ का कल्चर थोड़ा वैसा है, तो आप लोग सोचते हो कि इसमें ढलने की कोशिश करते हो, बट जो कि सही नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आए हो, आप दूसरी कंट्री में आए हो इतना पैसा लगा के, आप अपनी कंट्री में नहीं हो कि यहाँ पे इंजॉय करो, उनको देख के इंजॉय करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आप लोगों को फोकस रहना है स्टार्टिंग में, कभी आप महीने में एक आधी बार कर लिया वो अलग है, बट रोज रोज मैं बहुतों को देखा है, जब मैं यहाँ आता तो मेरे बहुत दोस्त थे जो उस लाइन में चले गए थे, पार्टी पार्टी पार्टी, ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो गाइज उस राह पे नहीं जाना है, अपनी क्लासेस सारी अटेंड करनी है, ठीक है। तो उस क्लासेस अगर आपने सारी अटेंड कर ली ना, 30-40% तो आपका असाइनमेंट वहाँ ही बन जाता है, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन, आधा डेटा, आधी नॉलेज तो आपको वहाँ से मिल जाती है, राइट। इसके बाद जो बचा है, उसके बाद आप उसमें लाइब्रेरी रहती है हर हर यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सारा आपको डेटा मिलेगा, हर टॉपिक पे बुक्स मिलेंगी, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। इंटरनेट एक खुला, आपको पता ही है, दुकान है, खुली दुकान है नॉलेज की, डेटा की, वहाँ से ले सकते हो जितना चाहिए, आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आपको बस ये है कि वो लैंग्वेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में, जो कि ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आई थिंक आपका 70-80% तो असाइनमेंट यहाँ से ही बन जाता है, ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन से ही, डेटा से, यहाँ से कलेक्ट करके बन जाएगा। जो बची कुछ है आपकी 15-20 मिनट, जो 15-20% जो बचा हुआ है वो आप कैसे बना सकते हो, वो है, ये बहुत बड़ी एडवाइस दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पर्सनली मैंने किसी को दी नहीं है, बट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी अभी पढ़ाई खत्म हुई है, तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, ये मेरे बहुत काम आई ये एडवाइस। तो जब आप अपने असाइनमेंट बना रहे हो ना, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। तो अब ड्राफ्ट में क्या करना है, देखो वर्ड्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कि ज़्यादा बड़ा नहीं है तो एक ड्राफ्ट काफ़ी रहेगा, ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो 2-3 ड्राफ्ट, मतलब डिपेंड करेगा आपके असाइनमेंट के ऊपर कि कितनी वर्ड्स का है, ठीक है, कितने वर्डिंग्स का है। इसमें क्या करना है, आप लोगों को अपने जो भी मॉड्यूल लीडर है, या जो भी आपका टीचर है, जो भी प्रोफेसर है, उससे अच्छे रिलेशंस रखने हैं, ठीक है। और ये अच्छे रिलेशंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट में इस वीडियो के बताऊंगा कि अच्छे रिलेशंस रखने से आपका कितना बड़ा फायदा है, लास्ट में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो देखना, ठीक है। तो यस, तो आप लोगों को अपने प्रोफेसर से अच्छे रिलेशंस रखने हैं, एंड देन क्या कहते हैं, जब आप असाइनमेंट बनाओगे तो उसकी ड्राफ्ट भेजना है उसको, ठीक है, एंड ओपनली बोलना है उसको, या उससे वन ऑन वन मीटिंग कर सकते हो आप, ठीक है, ईमेल कर सकते हो, ईमेल आईडी आपको मिल जाती है सारी, जो भी आपके टीचर्स होते हैं उनकी, या वन ऑन वन मीटिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो करो, उनसे बात करो, एंड उनको ना खुला बता दो कि सर देखो हम इंडिया में यूज्ड टू नहीं होते हैं, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है यहाँ से, और यहाँ पे आके असाइनमेंट ठीक है ज़्यादातर, तो मेरे को इतना असाइनमेंट्स का आइडिया नहीं है, आप हेल्प कीजिए मेरी, ठीक है, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। एंड जब आप असाइनमेंट बना रहे होंगे तो ऑब्वियसली मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि क्लासेस अटेंड करो, वहाँ भी बात कर सकते हो अपने टीचर से, एंड नहीं तो मीटिंग कर सकते हो वन ऑन वन मीटिंग, यहाँ पे ना बहुत कैजुअल है, आप अपने टीचरों से बहुत खुल के बात कर सकते हो। इंडिया में थोड़ा एक स्ट्रिक्ट रहता है, एक मतलब रेस्पेक्ट से, रेस्पेक्ट तो यहाँ भी ऑब्वियसली, बट एक समझो एक डर सा, मतलब कि यार मतलब क्या, मतलब कभी गुस्सा कर दिया यार, नहीं मतलब समझ रहे ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बहुत कैजुअल है, यहाँ पे बहुत खुल के बात करते हैं, ठीक है। तो आप खुल के बता सकते हो कि मेरे को असाइनमेंट नहीं आते सर, प्लीज़ थोड़ा सा फॉर्मेट बताइए कैसे कर सकते हैं, कैसे बनाते हैं, थोड़ी हेल्प कीजिए, राइट। एंड जब आप बनाने बैठे हैं तो उसमें क्या करना है, आपको ड्राफ्ट बनाने हैं, एंड ड्राफ्ट ईमेल करने हैं अपने जो भी मॉड्यूल लीडर है, या जो भी आपका सब्जेक्ट का टीचर है, ठीक है, उनको भेजना है, एंड उनको बताना है सर इसमें बताइए क्या क्या गलतियाँ हैं, जो जो वो आपको गलतियाँ बताएंगे, देन आपको नेक्स्ट सबमिशन से पहले आपको सब गलतियाँ इम्प्रूव करनी है, एंड देन सबमिट करना है, ठीक है। और इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ 101% कि आप पास होंगे, अगर आप ये एडवाइस लोगे, अगर आप अपने मॉड्यूल लीडर से बात करके उनसे अपनी उस ड्राफ्ट सबमिट करोगे पहले, एंड उनसे गलतियाँ जानोगे कि इसमें क्या क्या गलतियाँ, एंड देन अगर उसको इम्प्रूव करके सबमिट करोगे ना, तो डेफिनेटली पास होंगे, इस चीज़ की गारंटी है, 101% आप फेल नहीं होंगे, ठीक है, आप पास होंगे, क्योंकि मॉड्यूल लीडर को ही पता है कि इस बंदे ने खुद बनाया है, मैंने खुद इसको इसके असाइनमेंट की गलतियाँ बताई थी कि ये गलतियाँ हैं, एंड उसने इम्प्रूव किया है उनको, एंड देन सबमिट किया है, तो डेफिनेटली आप पास होंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज़, एंड मेरे लिए बहुत अच्छा रहा था, ठीक है। इस सब में पास हूँ मैं, तो आप लोग भी सब में पास होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जब आप टीचर से जो जिसके पास जो हमें मार्क्स देने वाला है, जो हमें पास करने वाला है, जो हमें फेल करने वाला है, अगर हम उसी से बात कर लें डायरेक्टली, उसी को बताएं कि सर आप हमें थोड़ा समझाइए, उसी से हम थोड़ा शेयर करें, उसी से उसकी नॉलेज लें, ठीक है, तो आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये जरूर करना है, सही है। एंड और बाकी तो यही था इस वीडियो में,
और मैंने ऐसा क्यों बोला कि आपका अच्छे रिलेशंस आपके मॉड्यूल लीडर के या जो भी आपके टीचर्स हैं प्रोफेसर हैं वो क्यों काम आते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पे ना रेफरेंसेस से जॉब बहुत मिलती हैं, ठीक है, स्पॉन्सरशिप्स बहुत मिलती हैं। एंड अगर आपके अच्छे रिलेशन्स हैं, और आपको भी बता दूँ प्रोफेसर्स के रेफरेंसेस ना बहुत एक टॉप नॉच माने जाते हैं, ठीक है, अगर आपका प्रोफेसर आपको रेफरेंस दे रहा है किसी कंपनी के लिए या किसी जॉब पे तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो मोस्टली आप लोगों की जॉब लग जाती है, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आपका प्रोफेसर यहाँ पे आपका आपको रेफरेंस दे रहा है किसी जॉब का, तो आपको अच्छे से रिलेशन्स रखने हैं, आप लोगों को मतलब एक अच्छे से अपना बॉन्ड बनाना है अपने टीचर के साथ, ठीक है, ताकि वो क्या पता इन फ्यूचर आपको रेफरेंस दे दे। एंड मेरे खुद जानने वाले मतलब मेरे खुद दोस्तों के केसेस देखे हैं मैंने जिनको रेफरेंस मिले हैं, आज वो स्पॉन्सरशिप में है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब सुनने में छोटी लग रही होगी बट ये बहुत बड़ी चीज़ है, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी जिसके लिए यहाँ पे लोग मोस्टली बच्चे चाहते हैं, ठीक है। एक होता है कि यूके आ गए हैं एंड देन स्टूडेंट वीज़ा पे आप स्पॉन्सरशिप चाहिए, राइट, टारगेट वही होता है एट दी एंड, अगर आप क्लास में बहुत अटेंटिव हो, ठीक है, एंड टीचर को दिख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, रोज़ क्लासेस आ रहे हो, ठीक है, रोज़ पढ़ रहे हो, टीचरों से पूछ रहे हो, घुल मिल रहे हो उनसे, तो उनको दिखेगा, मतलब आप नोटिस में आओगे उनके, ठीक है। एंड पक्का अगर उनको उनको लगा कि आपको रेफ़र करना चाहिए वो डेफिनेटली आपको रेफ़र करेंगे। सो गाइज ये था कि आप बहुत इजीली असाइनमेंट बना सकते हो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड ये सेम जो मैंने एडवाइस दी थी वो इस सेम डिजर्टेशन के लिए, ठीक है, डिजर्टेशन के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी यूनि में ऐसा था कि 5 मीटिंग्स करनी थी आपको अपने सुपरवाइजर्स के साथ, ठीक है। सही बताऊँ जब मैं डिजर्टेशन कर रहा था तो देखो डिजर्टेशन जिस जिसको नहीं पता है वो सेम असाइनमेंट की तरह होता है, बट ये समझो कि वर्डिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, 15-20 हज़ार, ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बट पूरा 100% सेम नहीं होता है असाइनमेंट की तरह, फॉर्मेट होता है उसका भी, ठीक है। सो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और लिटरली बताऊँ तो जब मैं इंडिया में था मुझे डिजर्टेशन का 1-2 बार ही सुना होगा वर्ड, ठीक है, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी अपने अंडर ग्रेड में। सो जब मैं यहाँ पे आया मैंने अपनी जो पहली मीटिंग थी सुपरवाइजर से उसको मैंने क्लियर बता दिया था कि डिजर्टेशन का मुझे डी भी नहीं आता है, तो मुझे सर पूरा फॉर्मेट बताओ कैसे कैसे बनाना है एंड कैसे कैसे ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है उस फॉर्मेट में, ठीक है, कैसे कैसे डालना है उन चीज़ों को। तो उसने जो पहली मीटिंग में मुझे पूरा एक ईमेल भेजा था, बाद में जब वो मेरी वीडियो कॉल थी उसके साथ, उस टाइम मैं इंडिया में था तो वीडियो कॉल चल रही थी मेरी उसके साथ, एंड उसने मुझे बताया था कि मैं सब मेल में भेजता हूँ, उसने पूरा प्रॉपर एक मेल भेजा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, जिसमें फॉर्मेट था पूरा, जिसमें और चीज़ें भी बताई हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग ने मेरा बहुत हेल्प किया था, एंड देन जो 4 मीटिंग और थी तो उसमें मैंने क्या करता था, ड्राफ्ट बनाता था, उसको भेजता था, गलतियाँ जानता था, गलतियाँ वो मुझे बताता था एंड देन वो इम्प्रूव करता था, एंड लास्ट में मैंने सबमिट किया एंड देन मैं पास हुआ। डेफिनेटली पास होंगे अगर आप लोग ये स्टेप करोगे, ठीक है, अगर आप ऐसे जाओगे तो। सो गाइज ऐसे करना है डिजिटेशन में, एंड सेम असाइनमेंट जो मैंने आप लोगों को बताया, तो असाइनमेंट्स को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, सीरियसली लेना है, पास होना है आप लोगों को असाइनमेंट में किसी भी कॉस्ट पे। आप लोगों को अभी मैंने 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मेरा दोस्त फेल हुआ था, ठीक है, असाइनमेंट में फेल हुआ, रिसीट आई, रिसीट में फेल हुआ, एंड आज वो इंडिया है, उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है। तो गाइज आप लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा, जब आप लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करके आ रहे हो ना तो सिर्फ फेल होने के चक्कर में आप इंडिया वापस नहीं जाना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ मेहनत करने आए हो, आप लोग यहाँ पे पैसा लगा के आए हो, कुछ करने आए हो, ठीक है, अपने ड्रीम्स अचीव करने आए हो, तो थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा, आपको वापस नहीं जाना है, राइट। तो असाइनमेंट्स में पास होना पड़ेगा, हर एक मॉड्यूल्स में पास होना पड़ेगा, अगर पास नहीं होंगे तो आपको PSW नहीं मिलेगा, ठीक है, PSW नहीं मिलेगा, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, और बल्कि आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात समझनी पड़ेगी, असाइनमेंट्स को सीरियसली लो, ठीक है। एंड आई थिंक मतलब देखो जो मैंने अभी ये वीडियो के बारे में बताया, जो वो लड़का फेल हुआ जो इंडिया गया, उसकी आई लिंक पे वीडियो आ रही होगी, वो वीडियो या ये वीडियो, मेरा बस ये मोटिव है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा हूँ, ठीक है, उस मेरा एक वो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, 2 साल हो गए हैं मुझको, तो मैं सब चीज़ों से निकला हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को इतनी परेशानी ना हो, आप लोगों को पहले से आइडिया हो कि कैसे करना है, तो मैं आप लोगों का बस मेरा मोटिव रहता है कि आप लोग की हेल्प करूँ। और बाकी अगर आप लोग कुछ भी जानना है असाइनमेंट्स के बारे में तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, राइट। और इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड जाते सब्सक्राइब।